ओके तो पहला लिस्ट हमने बनाया ड्रीम लिस्ट, सपनों का लिस्ट। दूसरा लिस्ट हमने बनाया कौन सा वो डर है जो हमें रोक रहा है, और तीसरा लिस्ट हमने बनाया हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट का। और ये तीनों लिस्ट बनाने के बाद हमने जाना, हमने समझा कि भाई ये लिस्ट जब बनाएंगे तब हमारे मन में एक गेम खेला जाएगा। हम जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो मन में एक विचार आएगा, अच्छा ये रमेश भाई, ये रमेश भाई तो नहीं जुड़ने वाले, महेश भाई, अच्छा वो सोचते रहते हैं हमेशा, एक्शन नहीं लेते, अच्छा हाँ बराबर, अरशद भाई वो कभी ऐसे किसी बिजनेस में जुड़ते ही नहीं। हम खुद ही उसके बारे में सोच सोच के जजमेंट करते करते हुए हमारा लिस्ट कट ऑफ कर देते हैं। अरे हम लोग हाई कोर्ट के जज है क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज है क्या कि हमने जो बोला वो फाइनल है क्या? नहीं है, राइट है? अगर हम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है तो हमें ये जजमेंट लेने का अधिकार भी नहीं है कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। वो उसको लेने दो ना यार, जुड़ना नहीं जुड़ना वो उनका डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। हम पहले से सोच के बैठ जाए कि वो नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा, तो वो तो गलत होगा एक प्रकार से। राइट? तो लिस्ट बनाओ 100 लोगों का आसपास का, हमारी बात हुई 100 लोगों का लिस्ट बनाना, कितने लोगों का लिस्ट बन गया? ओके हमने सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट में 4 पॉइंट की बात करी थी। नंबर वन कितना याद है आपको? नंबर वन सेल्फ एस्टेब्लिश, कदम नंबर तीन सेल्फ एस्टेब्लिश, नंबर वन ड्रीम्स, नंबर टू डेटा, नंबर थ्री डायरी, एंड नंबर फोर ड्रेस कोड। एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में अगर हम लोग जाएंगे कहीं पर भी तो हमारी वैल्यू होगी, हम अपनी बात को प्रॉपर रख पाएंगे। और एक और बात आपको बताऊं ड्रेस कोड के बारे में, जब भी आप अच्छा ड्रेस कोड पहनते हैं ना आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ये रूल है। क्यों आपको अच्छे कपड़े पहन के प्लान दिखाने के लिए जाने के लिए बोला जाता है? क्योंकि कई बार मन में जो डर होता है, फियर होता है, उसका सामना हमारा कॉन्फिडेंस ही कर पाता है। और कॉन्फिडेंस कई बार हमारे बस कपड़ों से आ जाता है, ये देखा गया है साइकोलॉजी के हिसाब से। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, हमारी चाल ढाल, हमारी बात करने के तरीके बदल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू वेयर अ प्रॉपर ड्रेस कोड, है ना, एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। चलिए आज शुरू करते हैं कदम नंबर चार, इन्विटेशन देने की कला, आमंत्रण। अब हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट बना दिया, अब हमें उनको इन्वाइट करना है। इन्वाइट किसके लिए करना है? देखिए इन्वाइट करने में तीन जगह पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए या तो हम सामने वाले को सेमिनार में इनवाइट कर रहे हैं जो कि हमारे वहां पे संडे हो रहा है। अरे विथ मी, हम कहां के लिए इनवाइट करेंगे? या तो हम सेमिनार में इनवाइट करेंगे, या तो हम होम मीटिंग में किसी के वहां पे ऑर्गेनाइज हमने किया है, 10-15 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, होम मीटिंग में किसी को इनवाइट करेंगे, या तीसरा हम उनके घर पे जाएंगे, यानी कि हमने अपॉइंटमेंट लेना है। अरे विथ मी, और एक लाइन में समझाऊं तो बस हमें, हमने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए अच्छे लगे, हमने जो कंपनी ज्वाइन करी अच्छी लगी, हमें उसकी बात हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों से करनी है। दिस इज कॉल्ड द इनविटेशन, सिंपल। और बात करनी है किस तरीके से? ऊपर ऊपर की, क्योंकि समझाने के लिए तो अपॉइंटमेंट हमने सेट किया है। तो ऊपर ऊपर के ऐसे कौन से पॉइंट बताए जाए जिसके आधार पर उससे हमारी बातचीत शुरू हो जाए? तो चैप्टर नंबर फोर इसी के बारे में। अभी तक कितने लोगों के पास SOS नहीं है? टाइप करो मी। अभी तक कितने लोगों के पास SOS किताब हाथ में नहीं आई है? आपके नजदीकी 300 किलोमीटर में कोई शॉप ही नहीं है? आपके नजदीक में कोई शॉप ही नहीं है क्या कहीं पर भी? वहां पे जाइए, अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए, अगर वहां पर है तो ले लीजिए, नहीं है तो अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए। जल्द से जल्द उसकी नजदीकी मेगा शॉपी से वहां तक प्रोडक्ट पहुंच जाएंगी, ये मतलब अपना SOS पहुंच जाएगा। SOS को पढ़िए, ये किताब है हमारी जिंदगी बदलने वाली। अरे विथ मी,
थोड़ा गले में थोड़ा खराश है तो मैं सॉफ्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहा हूँ, मजा आ रहा है ना, मुझे भी मजा आ रहा है। देखिए अब प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल कर दिए, चैप्टर नंबर 4 में क्या लिखा, कदम 4 में क्या लिखा है, प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल कर दिए, प्रोडक्ट अच्छे लगे हमें, अलग अलग लोगों, अब वक्त है लोगों को, परिचित लोगों को टीमेस की प्रोडक्ट के बारे में बात करने का। अब ये बात करेंगे उसमें हम बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट आप वेट करिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ऑफिस में ऑलरेडी कोई आया था तो मैंने खोलने के लिए जाना था। नाउ चलिए पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारी गलतियां हमसे होगी इनविटेशन के दौरान, ये कंफर्म है। शुरू शुरू में गलती होती है, सीधी सी बात है, हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं गलती होती है, बाइक सीखते गलती होती है, वैसे यहाँ पर भी होगी क्योंकि ये नया काम है, हमारे मन में हमेशा डर रहता है और ये डर के कारण गलतियां हमारे से होती ही है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है जो हमारा टीएमएस का एजुकेशन सिस्टम, वो आपको पहले से मजबूत कर देता है। देखिए हमें इनविटेशन के दौरान कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना है। मुझे बताइए क्या लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हाँ या ना बताओ, यस और नो? लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? है। क्या लोगों को अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बताइए हाँ या ना? यस है, राइट है। फिर क्या आप बात नहीं करेंगे तो भी वह लोग नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या हम लोग कभी किसी से बात नहीं करेंगे अगर, तो क्या वो कभी नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे? करेंगे, आपसे नहीं लेंगे तो किसी और से लेंगे, कहीं और से लेंगे, लेकिन वो लेंगे प्रोडक्ट्स। क्या लोगों को बड़ी सफलता के लिए एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है? है। ये किताब में देखिए 4 सवाल लिखे हुए हैं। जब हमें पता है कि लोग हम अगर बात नहीं करेंगे तो कोई और बात करेगा, हम अगर नेचुरल प्रोडक्ट नहीं देंगे तो कोई और देगा, हम अगर एक्स्ट्रा इनकम की बात नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको आप प्लान समझाने जा रहे हो आपसे पहले ऑलरेडी कोई समझा चुका है और आपके बाद कोई समझाने जाने वाला है। जिसको भी आप प्लान समझाने जाएंगे ना, कंफर्म है बॉस, आपसे पहले ऑलरेडी कोई उसके घर पे जा चुका है कोई ना कोई स्कीम स्कैम लेके, तो आपको ऑब्जेक्शन का सामना भी करना पड़ेगा, हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए हर जगह पे आपको बोला पॉजिटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स लोग मिलेंगे और कुछ सैंपल मिलेंगे, वो फिक्स है। कल मैंने बताया था रात की मीटिंग में, विजन मीटिंग में कितने लोग इसमें से नहीं थे, टाइप करो मी, विजन मीटिंग में कितने लोग नहीं थे कल रात को, टाइप करो मी, चलो जल्दी 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 पता चले। हाँ तो आपको लिंक नहीं मिला होगा, ऐसा है क्या? रोज रात को 9 बजे कंपनी की ओर से कोई ना कोई मीटिंग चलता है, आपके अपलाइन का कांटेक्ट करे कि लिंक हमें भेजे अगर नहीं मिली है तो, और मिली है तो उसको ज्वाइन करे। नाउ टू द पॉइंट आते हैं। डर के कारणों में एक कारण है इस व्यवसाय के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, इंपॉर्टेंट लाइन। कई बार क्या होता है, लोगों से बात करने से पहले हमारे मन में जो डर है ना, उसके पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे ये भी है कि हमारे मन में एक डर रहता है कि यार ये बिजनेस के बारे में मैंने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन बोलते लोग बोलते हैं एमएलएम का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, चेन का बिजनेस है, ये है वो है करके लोगों के बारे में नेगेटिविटी रहती है। मतलब ये धंधे के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसके चक्कर में हम लोग लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, और वो डर होता है मन में, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए जब भी आप आमंत्रित करें किसी को भी इनवाइट करें तो आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब भी मैं बात करूंगा तो कैसा लगेगा, मुझे कैसा पसंद करेंगे, ये सब डर होता है मन में, उसके सामने हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं अगर बात नहीं करूंगा तो कोई और बात करेगा, वो कन्फर्म है।
कई बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में यह देखा है कि कोई इंसान अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने कजिन ब्रदर को, कजिन सिस्टर को प्लान नहीं दिखाता, और एकाध हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद उसे पता चलता है कि कोई और दिखा के आया, टीमेक्स का ही वो था और उसकी टीम में वो जुड़ भी गई। ओ माय गॉड, मतलब हम रह गए भाई। ऐसा होता है कई बार। वो टाटा स्काई वाला की एड आती थी ना बहुत टाइम पहले, बात करने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, बात तो कर दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ना बोलेगा, टेंशन मत लो, ना सुनने की अपने को आदत हो गई है, टेंशन मत लो, ये एटीट्यूड रखो, शर्म संकोच के बिना काम करो, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग की डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, वो फिक्स है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए, वो फिक्स है, उसमें भी अपने पास पादप अंग है जो किसी और के पास में नहीं है। पादप अंग गेम चेंजिंग टूल है अगर प्रॉपर तरीके से हमें इस्तेमाल करना आता है तो, और बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। थेरेपी के बहाने फोन करके इन्विटेशन करके ले सकते हैं, बोले 2000 साल पुराना पैरों की मसाज करने का जो सिस्टम था चरक संहिता के अंदर, उसी का आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मशीन हमारे जूनागढ़ में आ चुका है, और मेरे दोस्त ने ही उसकी फ्रेंचाइजी ली है। एक बार मसाज करने का 100 रुपया चार्ज लगता है, लेकिन मैं उसका दोस्त हूं ना, तो मुझे उसने 4 पास फ्री वाले दिए हैं। अगर तू इंटरेस्टेड है तो मैं तेरा नाम लिखवा दू फ्री मसाज में, बोल। तो इनविटेशन करने का ये भी एक रास्ता बन सकता है, पादा बैंक भी अपना, अरे विथ मी, यस और नो। और उसी के बहाने जब वो आएगा, मशीन पे बैठेगा, हेल्थ की बातें करेंगे उसके साथ में, उसको पता चलेगा हेल्थ खराब है, तो भाई हेल्थ खराब है तो हेल्थ के लिए कुछ करो, त्रिफला, नोनी जूस, एलोवेरा जूस, ये वो करके जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट की बातें कर सकते हैं वो बातें करें, और उसके आधार पर उसको हम ज्वाइनिंग करवा सकते। इट इज वेरी सिंपल एंड स्मूथ तरीका। इन्विटेशन में, एमएलएम में, पादा बैंक वाला तरीका इन्विटेशन का जो है वो सबसे एकदम इफेक्टिव और 100% रिजल्ट देने वाला तरीका है। फ्री मसाज करने के लिए कोई ना नहीं बोलता। अरे विथ मी, अभी यूपी में भी हमको इसका तहलका मचाना है, पादा बैंक का 100 सेंटर खोलने अपने को यूपी में, है ना। निर्मल सर हमेशा बोलते हैं हर गांव गांव में अगर तंबाकू बेचने के लिए, सिगरेट बेचने के लिए पान का गल्ला हो सकता है, जहर बेचने के लिए पान का गल्ला हो सकता है, तो हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसके लिए सेंटर क्यों नहीं, राइट। तो वहां पर भी तहलका मचाना है, बहुत जल्द कुछ प्लानिंग करते हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लक्ष्य तमाम डर से बड़ा होना चाहिए। हमारे मन में डर रहेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य अगर हमारे डर से बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य आपके डर से बड़ा है, तो कितनी मुश्किलें आती है, आप सफल होना तय है, आपका सफल होना तय है। जब डर बड़ा हो जाता है तो आपके एक्शन कमजोर हो जाते हैं, आपके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, अरुणिमा सिन्हा पैर कट गया, 47 ट्रेन पूरे रात भर में पैर पे से चली गई थी, बास्केटबॉल में चैंपियन बनने का उसका ख्वाब था, रात को ट्रेन में चोर लोगों ने उससे कुछ लूटने का, किसी लेडी के साथ लूटने का कोशिश किया, ये स्पोर्ट्समैन वाली लड़की थी, स्पोर्ट्स स्पिरिट था उसके अंदर, उसने फाइटिंग किया और चोर लोगों ने धक्का लगाया, रात को चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। 47 ट्रेन पूरी रात भर में उसके पैर के ऊपर से निकल गई, पूरा पैर कट चुका था, एक पैर। अस्पताल में थी जब बेड पे, उसने बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया कि मैं एक पैर से माउंट एवरेस्ट को सर करूंगी, आर्टिफिशियल पैर लगाया, और अपने लक्ष्य को अपने दर्द से इतना बड़ा कर दिया, अपने डर से इतना बड़ा कर दिया कि जिंदगी का वो बड़ा मकसद बन गया। और जब ये बड़े लेवल का इरादा, पक्का इरादा मैं कहता हूं, अगर बन जाता है ना, तो मुश्किलें हमारे सामने टिकती नहीं है। 20 साल लगे पहाड़ को खोदने में दशरथ मांझी को, लेकिन खोद दिया। जरा कल्पना करिए, अपने को 4 लोगों को मिलने के बाद डर लगता है, और ये 20 साल तक जाके पहाड़ को खोद रहा है, कितना कंसिस्टेंसी वाला एक्शन, कितना पागलपंती वाला एक्शन। और ये भी तय नहीं है कि मुझे मिलेगा क्या, बस प्यार में पागल था बीवी के लिए, बीवी को बचा नहीं सका और पहाड़ खोद दिया। अरे हमें अपनी जिंदगी के प्यार में तो कम से कम पढ़ना चाहिए, पैसों के प्यार में तो पढ़ना चाहिए कम से कम। पैसों को तो प्यार करते हो ना कि नहीं करते? पैसों मारो परमेश्वर ने हूं पैसा नो दास, गुजराती में एक गाना है, पैसा मेरा परमेश्वर और मैं पैसों का दास।
मेरा तो नाम भी मैंने सोच के रख लिया है मालूम, 60 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो बाबा जी का काम करूंगा, आजकल मार्केट में अच्छा चलता है। और मैंने नाम भी सोच लिया लक्ष्मीदास बापू, मनी कोच है ना, तो लक्ष्मीदास बापू चले। मजाक कर रहा हूं। तो डर का सामना करिए, थोड़ा हल्के हल्के मूड में सीखते हैं ना। यदि प्रोडक्ट्स पर भार देंगे, हमने आगे भी कहा था, यदि प्रोडक्ट पर भार देंगे तो ग्राहक बनेगा, यदि आप अवसर पर भार देंगे तो आपको बिजनेस करने वाला इंसान मिलेगा, यदि आप सफलता और लक्ष्य पर भार देंगे तो आपको लीडर मिलेगा, राइट है। तो बातचीत करने में हमें भार कहां पे देना है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होगा, उसके लिए हमें लोगों से बात करनी है। तो हमारा ग्राहक कौन है जानते हैं, हमारा ग्राहक कौन है, किसके साथ हमें इन्विटेशन करनी है, हमारा ग्राहक कौन है, हर एक व्यक्ति जिसको हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है, हर एक व्यक्ति जिसको हमें प्रेजेंटेशन देकर उसकी आदत बदलनी है, उसको अवसर देना है, हर वो व्यक्ति जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है, जिसको आमदनी की जरूरत है, वो हमारा कस्टमर है एक प्रकार से, ठीक है। इनविटेशन में क्या क्या चीजें ना करें, ध्यान रखे, इनविटेशन में हमें भीख नहीं मांगनी है, मतलब कि हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि हमको तेरी, मतलब वो कहते हैं ना, गरज है एक प्रकार से, हमको तेरी मतलब जरूरत है, ऐसा नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है हमें, हमें उनके साथ ऐसी कुछ बात करनी है जिसमें उसे ऐसा लगे कि मेरे लिए कुछ है। अच्छा मुझे बताओ, आप किसी भी इंसान की बात को कब सुनेंगे? जब उनकी बातों में आपके लिए कुछ हो, ये एक नेचुरल है। मान लो हम लोग 4 लोग, 2 लोग बैठे हुए हैं, मान लो मेरा एक दोस्त है मनीष करके एग्जाम्पल, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, हम लोग बात करते टाइम, जब भी मैं अगर बात करते करते, मान लो बात कर रहे हैं, बात करते करते जब भी मैं मनीष बोलूंगा तो मनीष का अटेंशन तुरंत जाएगा क्योंकि मैंने मनीष का नाम लिया, आर यू विथ मी? और मनीष का नाम लिया, अटेंशन इसलिए गया क्योंकि साइकोलॉजी हमारी ये कहती है कि जब भी हम किसी इंसान का नाम लेते हैं, उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपके बातों में इन्वॉल्वमेंट लेता है, राइट है। तो क्या ना करें, तो भीख नहीं मांगना है, आप अपने साथ लाने के लिए किसी तरह की धमकी नहीं देनी है, आना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। वैसे फ्रेंडली वाला धमकी चल जाता है, मैं कभी कभी इनविटेशन में सिखाता हूँ। अच्छा मेरा एक इनविटेशन का पूरा वीडियो है 1 आवर का यूट्यूब में, चिराग उपाध्याय मनी कोच का यूट्यूब चैनल है, 1 घंटे का मैंने इनविटेशन सिखाया है कैसे लोगों को हेल्थ जागृति अभियान के बहाने लोगों से बातें करके लोगों के घर में एंट्री ली जाती है और लोगों से बातें करी जाती है। बहुत गजब तरीके से मैंने वो 1 आवर का ट्रेनिंग दिया है, वहां पे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसको डिटेल में जाके एक बार देखिएगा और एसओएस किताब को वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। मैं टू द पॉइंट जाता हूं, इनविटेशन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना करें, इनविटेशन के अंदर, इनविटेशन या प्रेजेंटेशन के बीच के अंतर को समझे। देखिए हमें इनविटेशन देना है, प्लान नहीं देना है, फोन पे पूरा प्लान समझा देते, बोले इसमें क्या होता है आपको पता है, देखो हम 2 लोगों को जोड़ना होता है, पहली बार हम जोड़ते हैं हमको 20% मिल जाता है और बाद में हमको 20% मैचिंग मिलता है, और प्रोडक्ट सारी एकदम नेचुरल है, हर्बल है, हेयर वॉश है उसमें आना ना, हेयर वॉश क्या बोले अपने, हेयर फॉल रोकने के लिए किट अपने पास में है, फिर अपने पास फेस वॉश है, अपने पास में हैंड वॉश है, अपने पास में सब प्रोडक्ट है, ऐसा सब पूरा 10 मिनट में पूरा प्लान समझा दे फोन पे, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बाकी बचा क्या। अच्छा आप शादी के लिए इनविटेशन देने के लिए गए कभी, तो पूरा वहां पे कार्यक्रम समझाते आते होंगे ना इनविटेशन देने के लिए शादी में, देखिए सुबह 7 बजे सब लोग आ जाएंगे, 7 बजे आने के बाद लोग नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद कन्या पधराव सावधान बोला जाएगा, उसके पूरा समझाने बैठते हो क्या उधर पे आप? नहीं, सीधा इनविटेशन देते ये तारीख को कार्यक्रम में आ जाना, राइट है। तो वैसा यहां पर भी वैसा ही है, पर वो आने के लिए कुछ इंस्पिरेशन टॉक बोलना पड़ेगा जो हम अभी आगे सीखने वाले। इनविटेशन में करने जैसी चीजें क्या है, करने जैसी चीजें कुछ और भी पॉइंट से आप आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा करने जैसी चीजें क्या है। आप अच्छे मौका देने वाले, उसको एक बेहतरीन मौका उसको देने वाले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप उसको दे रहे हो, आपके विश्वास जुनून उत्साह और मौके के ऊपर आपको बात करनी, हम लोग बात कैसे करना है वो अभी आगे जान रहे हैं। आपका मुख्य काम है प्लान दिखाकर उत्सुकता बढ़ाने, उसके अंदर एक उत्सुकता बढ़ाएंगे, आर विथ मी? प्रशंसा एक बड़ा हथियार होता है, जब भी आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मान लो आपकी अपलाइन की, कंपनी की, प्रोडक्ट की, सिस्टम की और अवसर की जब आप प्रशंसा करते हैं, इसे एक जबरदस्त मौके के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो सामने वाले के मन में उत्साह, उत्सुकता पैदा होगी कि ये ऐसा तो क्या है,
राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब देखिए इनविटेशन अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से होता है। मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपको बताता हूं। मान लो नौकरी करने वाला इंसान है, कौन है, नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसको अगर आप इनविटेशन देना चाहेंगे तो कैसे दे सकते हैं? याद रखिए सामने वाले को दो चीज में से एक चीज में इंटरेस्ट होता है। पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, सामने वालों को दो चीज में से एक चीज में इंटरेस्ट होता है। एक उसके फायदे की चीज में इंटरेस्ट होता है, या दूसरा उसके मन के डर जो होते हैं उसको दूर करने के लिए अगर कुछ चीज आप बताते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता है। यानी कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे इंटरेस्ट है, या तो उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके फायदे की कुछ बात करते हैं तो उसे इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम की बात में इंटरेस्ट है, बेनिफिट की बात में इंटरेस्ट है। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, या लोगों की जिंदगी अभी जहां पर है उसे उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उसके लिए उसे सॉल्यूशन चाहिए। आर यू विथ मी? अब प्रॉब्लम किस किस प्रकार के हो सकते हैं? हेल्थ के प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट बेस्ड इन्विटेशन होगा, और बिजनेस सक्सेस, मनी, परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो हमारा बिजनेस प्लान हमारी अपॉर्चुनिटी का इन्विटेशन होगा। इज दैट क्लियर? आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट दे रहा हूं, किताब में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, मैं आपको अपने अनुभव से सिंपल फॉर्मेट दे रहा हूं। अब नौकरी वाले जो है, नौकरी वाले उसके दर्द क्या होता है मुझे बताइए। सुबह 8 से रात का 8 जिंदगी में जॉब के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान होता है। महीने में एक आध बार होटल में खाना खाने के लिए जाता है, साल में एक आध बार कहीं पे घूमने जाता है, ये उसकी जिंदगी होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, बोलो हाँ या ना? और एक बात और बताऊं गजब की, हर नौकरी करने वाला इंसान मन में तो ये चाहता ही है कि यार कुछ बड़ा करना है। ये नौकरी के चक्रव्यूह में फंसे फंसे रहने से कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा, कुछ बड़ा करना है ये चाहत हमेशा से एक नौकरी करने वाले इंसान में होती है। अगर वो भूख वाला इंसान है, सेटिस्फाइड है बेचारा 10-15,000, 20-25,000 की नौकरी में, तो बात अलग है। बट हर इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हर इंसान एडजस्टमेंट कर रहा है नौकरी वाला, इसलिए उसके अंदर एक भूख होती है। अब अगर हम उसकी भूख को जगाने का काम करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा हाँ या ना बताओ? तो हम कुछ ऐसे बात कर सकते हैं। मान लो अपना दोस्त है यार, और हम भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहा है, मान लो हम भी नौकरी कर रहे हैं, एग्जाम्पल, तो हम बात करेंगे यार कई टाइम से यार नौकरी अपन कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक दिन कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता, और साला कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाते, कुछ तो एक्स्ट्रा करना है यार, ये सब बहुत हो गया यार जॉब के अंदर, ये मतलब नहीं मजा आता। और वो पूछेगा ऐसा क्या हो गया भाई, अरे क्या क्या हो गया यार, जब भी कहीं भी घूमने जाने का ख्याल आता है पॉकेट के बारे में सोचना पड़ता है, जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी फिक्स सैलरी है, सुबह 8 से रात को 8 काम करता है, चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यार। फिर वो बोलेगा बात तो सही है, बता ना मीम्स, बात तो सही है। यार मेरे दिमाग में एक काम है, अगर तू कहे तो बताऊं तेरे को। अरे हाँ बोल, क्या काम? यार आजकल है ना मार्केट में ना आयुर्वेदा का बहुत जबरदस्त डिमांड है, सोच रहा हूं इसका आयुर्वेदा का बिजनेस मैं पार्ट टाइम में घर से ही शुरू करूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करे कैसे करे। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो आयुर्वेदा का एक्सपर्ट है, जो इसका जानकार है, और उसको इसके बिजनेस को डेवलप करने का तजुर्बा भी है, तो क्यों ना उसको मिलके आए, अपन दोनों मिलके एक बार साथ में, हाँ उनको मिल लेते, जरा समझते हैं क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, थोड़ा 2-4 बिजनेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे हम लोग, तो सोच पाएंगे ना कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले, नौकरी के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको आज मिलने के लिए जाने वाला हूँ, लगभग 4 से 5 बजे के बीच में। तेरा क्या शेड्यूल है?
या तो हमें पहले से पता होता है कि वो कब फ्री है, मान लो पता है कि वो 8 बजे रात को नौकरी के बाद फ्री होता है, तो उनसे बात करें। मैं तो आज रात को नौकरी से छूटते ही 8 के बाद 8 से 9 के बीच में उसको मिलने के लिए जा रहा हूं। तेरा क्या सेटअप है, चल रहा है मेरे साथ? वो बोलेगा हाँ सोच रहा हूं, मेरा भी टाइमिंग है। अरे यार चलना यार, यार तू होगा साथ में तो मजा आएगा थोड़ा, मेरे को और भी कुछ चीज जानने को मिलेगी। अरे विथ मी। अच्छा एक आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो जैसे ही आप टीमेक्स के मेंबर बन गए, अभी तक आपने लोगों को प्लान दिखाना शुरू नहीं किया ना, तो तुरंत ही वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ स्टेटस बेटस में अपलोड मत करना यार, थोड़ा वेट करो, उसका टाइम आपको मिलेगा जिंदगी में। अपने कंपनी के प्रोडक्ट स्टेटस रील वगैरह अपलोड करने का टाइम आपको मिलेगा, लेकिन शुरू में 10 15 20 25 लोगों से बात करने के बाद, कुछ लोगों को ज्वाइन करने के बाद वो कार्यक्रम शुरू करो। अभी आप इनविटेशन किसी को करने जा रहे हो, उससे पहले आपने स्टेटस में स्टोरी में अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह लगा दिए, सामने वाला वैसे भी समझ गया कि आपको ऐसा ऐसा कोई काम काम लेकर आए हो। अरे विथ मी तो बाद में करो, ठीक है? तो ऐसे हम लोग नौकरी वाले को बात कर सकते हैं। देखिए आपको प्लान दिखाने के लिए हमेशा याद रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स की दुनिया में कहा जाता है कि ग्राहक को 3 दरवाजे के ऊपर ध्यान रखना है, 3 दरवाजा के ऊपर ध्यान रखना है, घर का दरवाजा। तो इसके ऊपर क्या ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना जल्दी छोड़ दो, क्योंकि घर में आपका प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं होगा। दूसरा ऑफिस का दरवाजा, मान लो अगर आपकी ऑफिस है तो ऑफिस में कुछ काम है तो जाइए, बाकी निकल जाइए। और तीसरा दरवाजा ग्राहक का होता है, उधर पे तंबू डाल के बैठ जाइए, ऐसा कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और सेल्स में, कि कस्टमर के घर पे हमेशा आप मिलने चाहिए। जो इंसान ये काम करता है वो ऑटोमेटिक सफल होता है, राइट है? तो आपको क्या करना है, इनविटेशन के दौरान ऐसी क्यूरियोसिटी आपको उत्पन्न करनी है, उसके प्रॉब्लम को जान के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। आज या कल आप जब मिलने के टाइम पे बात करेंगे, जैसे मैंने बोला ना 8 से 9 के बीच में कब जाते हैं, टाइम फिक्स बता दिया, तो आपको आज या कल ऐसा विकल्प देना है, 4 बजे या 5 बजे मैं फोन करूं या आप करेंगे, ठीक है मैं ही कर लेता हूं, मैं घर पर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अरे विथ मी, ऐसा कमिटमेंट बांध दो इनविटेशन के द्वारा। उसके बाद प्लान दिखाना है, एग्जाम्पल प्लान के लिए समय और स्थान तय करना, हमें प्लान अगर 1 to 1 करना है तो कहाँ मिलेंगे, उसके घर पे या किसी और जगह पे। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, राजकोट में ट्रेनिंग में आता हूँ तो कि बालाजी गुगरा वाले पे वहां मिलते हैं करके, और वहां से फिर उसको रोटरी हॉल में ले जाते हैं सेमिनार के लिए। रोटरी हॉल का पहले से एड्रेस नहीं दिया, नजदीक का दिया, और वहां से हम लोग बाइक पे उसको बिठा के सेमिनार हॉल पे लेकर आए। ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों मैं सिखा था इन्विटेशन में, क्योंकि अगर आपने सेमिनार हॉल का नाम दे दिया तो जनरली ज्यादा तो सिटी में ऐसा होता है, कोई सेमिनार हॉल होता है ना, उसमें किस प्रकार के सेमिनार होते हैं ये सबको पता होता है, पूरे गांव को पता होता है। जैसे मान लो कोई हॉल रहता है ना, यूपी के अंदर भी रहेगा आसाम में भी रहेगा ऐसा हॉल कोई फिक्स, इसका नाम लेते ही पता चल जाता है यहाँ पे MLM के ही सेमिनार होते हैं। तो अगर किसी को इन्विटेशन ने बोला ना इस हॉल पे आना है, तो वो वैसे भी समझ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का है। आर यू विथ मी, राइट है? तो मेक श्योर कि हमें क्या करना है वो हॉल के नजदीक के किसी फेमस जगह पे उसको बुलाना है, अगर इन्विटेशन करते हैं तो। अब अलग अलग व्यक्तियों से कैसे बात करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मित्र को, मित्र के साथ सीधी बात करके उसके बारे में पता कर, उसको सब आपके बारे में सब पता है। फ्रेंड को सीधी बात कर सकते हैं कि देखिए देख दोस्त, तेरा मेरा पता ही है, अपना हालत क्या है, अपनी कड़की हालत है, घड़ी घड़ी पैसे कहीं से उधार लेने पड़ते हैं, या फिर तो पैसों की बचत नहीं कर पा, सेविंग नहीं कर पाते, अभी बच्चा हो चुका है, बच्चा बड़ा होने वाला है, पढ़ाई का खर्चा आएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो चल एक काम करते हैं, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैं अकेला कुछ भी करना नहीं चाहता, चल दोनों साथ में जाकर कुछ जानकारी लेकर आते हैं, अगर अच्छा लगा तो साथ करेंगे वरना नहीं करेंगे। एकदम नॉर्मल टोन में रहो, प्रोफेशनल मत बनो। अरे विद मी, इन्विटेशन में याद रखो, बी नेचुरल नॉट प्रोफेशनल। आगे बात करते हैं, उसके बाद रिश्तेदार के साथ कैसे बात करेंगे, तो रिश्तेदार के साथ सलाह लेनी है, ऐसी बात करनी है क्योंकि उनकी गोदी में आप खेले, आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं। अरे विद मी, आपसे बड़े आपसे सीनियर अगर हैं तो वो सीनियर जो है उनके पास से सलाह ले सकते हो। अगर उनको आप बोलेंगे ना तो बोलेंगे मैंने दुनिया देखी हुई है करके आपसे बातें करेंगे। अरे विद मी, एक मिनट, हाँ एक भाई साहब ने बोला होटल फिक्स है, 4 साल से उसका नाम लेने से कोई आता ही नहीं उधर पे। हाँ तो सही बात है,
जिस भी होटल का आप नाम लेते हैं वो फेमस हो रहता है ना सेमिनार के लिए, एमएलएम के लिए, तो नहीं आता। तो प्लीज मेक श्योर वेन्यू का नाम नहीं लेना है। हाँ, अगर पास डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हो, पास में वेन्यू का नाम लिखा हुआ है तो बात अलग है, तो पूरा माइंडसेट करके लेकर आना है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में डेमो दूंगा उसके लिए स्पेशल। तो कैसे कैसे इन्विटेशन करना है, एक व्यवसायी को इन्विटेशन कैसे करना है ना, उनको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मिलेगा, और उतना जल्दी से उनको समझाओ। एक बिजनेसमैन जो होता है उसको यही पता चलता है कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आरओआई मिलेगा और कैसे हम लोग पैसे इसमें कमाएंगे, उतना फटाफट समझा के उनको। जैसे कि मान लो सर जी, आपको तो पता ही है कि आजकल सभी बिजनेस की हालत बहुत खराब है, उधारी में धंधा करते हैं, उधारी में जीते हैं, उधारी में माल देते हैं। ये उधारी मुक्त अगर बिजनेस करना है हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। एक जबरदस्त बिजनेस आया है जिसके अंदर अपफ्रंट में पैसा होता है, शुरुआत में ही पैसा मिलता है, पहले ही पैसा मिलता है, बोले उधार उधार का कोई लफड़ा ही नहीं है। और कैसे इसको किया जाता है, मैं इसकी जानकारी लेने के लिए मैं सेमिनार में जा रहा हूँ। एक बहुत ही बढ़िया से बिजनेस कोच एक्सपर्ट आए हुए हैं हमारे शहर में। अभी तक वो बिजनेस कोच 500 से भी ज्यादा बिजनेसमैन लोगों को खुद का आयुर्वेदा का बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने में, उधारी मुक्त बिजनेस स्टार्टअप करने में हेल्प कर चुके हैं। और वैसे तो उनके सेमिनार का टिकट 500 से 1000 रुपए होता है, लेकिन मेरे दोस्त ने इन्विटेशन दिया है, हमारे पास फ्री पासिस आए हुए हैं, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ। या फिर 30-50 रुपए टिकट है, ऐसा करके हम उनको बात करेंगे। इतना ही ज्यादा है, नॉर्मल 500-1000 रुपए रहता है, लेकिन अभी पहली बार यहाँ पे हो रहा है तो ओनली 50 रुपीज टिकट है, तो मैंने ऑलरेडी 2-3 पास लिए हुए। अगर तू इंटरेस्टेड है तो मैं तेरे साथ में चलता हूँ। अच्छा, गरज नहीं दिखाना है, अगर तू इंटरेस्टेड है तो हम लोग साथ में कुछ समझने के लिए जाते हैं, फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं। नॉर्मल रहना, नेचुरल रहना, प्रोफेशनल नहीं बनना है। दुकानदार, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के वहां पे आप बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जो ब्यूटी पार्लर वालों के साथ में कोलाबरेशन करती है। अरे इतनी उनको समझाते कि देखिए हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है ना, आपके काम के साथ में ही ये काम हो सकता है, तो समझने में क्या जाता है। एक बार समझ लीजिए, आपके काम के साथ में होगा तो आपकी आमदनी और बढ़ जाएगी, आपके कस्टमर बेस बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मल इन्विटेशन, कर्मचारी, कर्मचारी को उनके कितने घंटे का वो काम करता है, कि जॉब करने वाला 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में से 2 घंटे एक्स्ट्रा करके आप इसमें से ज्यादा कमा सकते हैं, जानने में क्या जाता है, थोड़ा जान लेते, समझ लेते। मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो एक नॉर्मल चीजें है, एक फॉर्मूला है फील, अरे फॉर्म का एक फॉर्मूला है, फॉर्म का। फॉर्म का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है किसी भी इंसान को नियंत्रण देने से पहले उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके हालचाल के बारे में जानकारी ले ले। जिसकी भी इंसान को आप मिलने वाले हैं, मुझे बताइए क्या ज्यादातर केस में हमें उनके फैमिली के बारे में पता ही होता है पहले से, अगर दोस्त है तो, यस और नो। तो फॉर्म का FORM का पहला एफ है फैमिली के बारे में जानो, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, उनके बिजनेस में जानिए, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिक्रिएशन। देखिए नौकरियां पढ़ाई के बारे में बात करेंगे इस बात का, जिस तरह वो हम उत्तर एग्जाम्पल, चलिए मैं इसी को पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए जब आप उनके परिवार के बारे में हालचाल की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यवसाय पे आ जाएंगे, ऑक्यूपेशन के वो बात करने के लिए आ जाएंगे, या नौकरी के बात करने के लिए आ जाएंगे, या पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, और फिर इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि उनकी बातों में हाँ मिलाते हुए उनकी बातों को रिक्रिएशन करेंगे। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो क्या हालचाल चल रहा है, बस सर मजे में, नौकरी बिजनेस कैसा चल रहा है, अरे दोस्त बढ़िया चल रहा है, चलता है बस ऐसा। बात तो बिल्कुल सही है, नौकरी तो अपना अच्छा ही चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, जमा हुआ नौकरी है, एक ही कंपनी में एक ही जगह पे है, अच्छे से है, फिर रिक्रिएशन करो पूरा। लेकिन एक बात बताऊं दोस्त यार, ये जो जॉब है ना उसमें कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, फाइनेंस के मामले में तो परिवार के साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमेशा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कुछ तो करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको आगे डेमो दिया, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और ये कुछ मतलब क्या, मैं यही सोच रहा था कि एक्स्ट्रा ऐसा तो क्या करें। इसी बीच मुझे मेरे एक दोस्त ने एक इनविटेशन भेजा है, और वो लोग पूरे इंडिया में आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। कैसे हम लोग आयुर्वेदा का बिजनेस पूरे इंडिया में कर सकते हैं, उसकी जानकारी वो दे रहे हैं, तो लेटेस्ट टॉक है ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ दोनों साथ चले। और अगर गलती से, यहाँ पे कितने लोगों को डर है कि सामने वाले ने गलती से पूछ लिया कि ये कहीं एमएलएम वाला तो नहीं है, तो क्या जवाब देंगे,
ऐसा कितने लोगों को डर लग रहा है, टाइप करो मी। गलती से अगर सामने वाले ने पूछ लिया कि ये कोई एमएलएम तो नहीं है। अच्छा इसका बढ़िया सा जवाब है, जानना चाहते हो, सिंपल उसको बोलना है। अगर उसने पूछ लिया ये बोला एमएलएम वाला, ऐसा तो कुछ नहीं, एमएलएम वो क्या होता है? अरे भाई एक का दो का चार मेंबर जोड़ने वाला बिजनेस, यही पूछेगा ना वो। अरे भाई एक का दो का जो चार बार जोड़ने वाला बिजनेस है, तब हमारा जवाब सुनिएगा ध्यान से। अरे नहीं 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 अरे नहीं 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 तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसे बोलते हैं नरोवा कुंजरोवा फॉर्मूला। युधिष्ठिर ने बोला था अश्वत्थामा मारा गया, फिर मन में बोला वो हाथी था। तो हम बोल रहे हैं कि तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, और बात सही है, वो एमएलएम के बारे में नेगेटिव सोच रहा है और वैसा कुछ भी नहीं है। हेलो, ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, हमने इनडायरेक्टली उसको ये बताया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है ये। अरे नहीं 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 तू जैसा सोच रहा है वैसा, और हमने बिल्कुल सही बोला, वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई। और दूसरा, हम दोनों साथ मिलके देखने वाले हैं ना, अपने को अच्छा लगा तो करना है, वरना कहाँ टेंशन है अपने को, खाली सेमिनार में जाके आना है। अरे विद मी, तो ऐसे करते हुए आप उसको एफ ओ आर एम में हमने एफ यानी कि उसके फैमिली के लिए बात करा, ओ मतलब ऑक्यूपेशन की बात किया, फिर उसको पूरा रिक्रिएट किया, और फिर उसको मनी के मैसेज के साथ, इनकम के मैसेज के साथ जोड़ के उसको इन्विटेशन दिया। अरे विद मी, फिर कुछ एक्स्ट्रा एम्पल है फैक्ट फैक्ट फिगर वाले, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि इन्विटेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को ही खत्म करने वाले पूरा आज की ट्रेनिंग में। जैसे कि उत्पादन संबंधी इन्विटेशन, प्रोडक्ट बेस्ड इन्विटेशन देना है, तो मान लो पहले आपको दो फैक्ट के बारे में बात करनी है नॉर्मल बातचीत करने के बाद, फिर लेकिन नाम के शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन लेकिन, और फिर आप जो बताना चाहते हैं वो आपको बताना है। एग्जाम्पल ब्यूटी लुक, अपना वेट लॉस का किट है उसके बारे में बात करना है, तो वेट लॉस का मान लो प्रॉब्लम है, हमने नॉर्मली बात किया कि आजकल यार वेट तेरा बहुत बड़ा बड़ा सा वेट लग रहा है, वो बोलेगा ना वेट तो बड़ा है मेरा यार, कुछ करना तो चाहता हूँ। देखिए फैक्ट ये है कि हमें अगर वेट लॉस करना है, फैक्ट ये है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा दूसरा फैक्ट रखो उसके सामने, एक बार वजन कम होने के बाद दवाई बंद कर देते हैं तो वजन बढ़ जाता है। आजकल यार मार्केट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना कि यार दिखता तो बहुत सही है लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तब तक अच्छा रहता है, जब छोड़ देते हैं ना प्रोडक्ट, दवाई बंद कर देते हैं ना, तो वजन डबल स्पीड से बढ़ जाता है। तीसरा फैक्ट रखो सामने, दो फैक्ट इनफ है, तीसरा जरूरत के लिए समझने के लिए यहां पर है। ज्यादा वजन की वजह से बहुत सारे रोग होने की संभावना है, और तू तो जानते ही है दोस्त कि इतना ज्यादा ओवरवेट हमारा बॉडी हो चुका है, तो ज्यादा वजन बढ़ने के कारण हमें बहुत सारे बीमारी भी हो सकती है। तीन फैक्ट हमने रखे उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड। और फिर लेकिन एक बात बताऊं, मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आ चुके हैं जिसमें स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है, और मजे की बात यह है कि यह दवाई 100% नेचुरल आयुर्वेदिक हर्बल है, और एक बार वेट कम हो गया उसके बाद दवाई बंद कर देंगे ना फिर भी वेट बढ़ता नहीं है। फैक्ट फैक्ट और लेकिन मेरे साथ करो, फैक्ट फैक्ट लेकिन, फैक्ट फैक्ट लेकिन, जो भी प्रॉब्लम है उसको दो बार उसके फैक्ट को सामने रखो और फिर बोलो लेकिन। वेट बहुत बढ़ चुका है इसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, ये फैक्ट है। वजन बढ़ता जाता है, दवाई छोड़ देते हैं तो वजन बढ़ जाता है, ये फैक्ट है। तो दो ऐसे फैक्ट अपने और नॉर्मल टोन में बातचीत करनी है। आजकल ना मार्केट में ऐसी दवाइयां मिलती है ना कि जब लेते हैं ना तो वजन तो घट जाता है लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ देते हैं ना वजन बहुत फिर से बढ़ जाता है, ये आजकल के मार्केट में चलता है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट मेरे ध्यान में आया है जो 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक, और मजे की बात यह है प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखा रहता है कि नो साइड इफेक्ट्स, नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो स्ट्रिक्ट डाइट एंड नो साइड इफेक्ट्स,
एक बार दवाई लेने के बाद आपने बंद कर दिया, वजन घट गया, वो दवाई बंद कर दी, तो आपका वजन बढ़ता नहीं है, इतना वो जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में उसको इंस्पिरेशन किया और फिर पूछा, और अगर तेरी इच्छा है तो वो प्रोडक्ट के बारे में जो समझाते हैं जिनको जानकारी है उससे मैं तेरा 1-to-1 मुलाकात एक बार करवा दूं, जान लेते अच्छा लगा तो फिर आगे बात करेंगे नॉर्मल टोन में, गरज नहीं है अपने को भाई। अरे विथ मी जॉब पर्सन से सच्चाई, फैक्ट फैक्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया, नौकरी वाला सच्चाई क्या है, 30 दिन लगातार काम करने के बाद आखिरी के दिनों में, हर महीने के आखिरी के दिनों में पैसे के लिए खिचखिच रहती है, कहीं पे घूमने के लिए जाना होता है ना तो पॉकेट को पहले देखना पड़ता है, ये आज के दिन के हमारी नौकरी वालों की सच्चाई। समय के साथ हमारी तनख्वाह तो बढ़ती है, हमारी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है यार। हर बार सोचते हैं कि इस साल अपना इंक्रीमेंट होगा, अपना प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगा, तो यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तब तक महंगाई बढ़ जाती है। तेल का डब्बा जो 2600-2700 का मिलता था 3200 का हो गया, 500 रुपये उसके अंदर बढ़ गए, हर महीने के राशन में खर्चा बढ़ गया। अरे विद मी तूर दाल का रेट बढ़ गया। हर बार ये नौकरी वालों की जिंदगी में किचकिच रहता है, लेकिन सच बताऊं मार्केट में ऐसे भी कुछ रास्ते हैं जहां पे हम लोग नौकरी करने के साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं और जिसके कारण हमें महीने के आखिरी दिनों में पैसों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर तू कहे तो ऐसी इनकम एक सिस्टम के बारे में कुछ चीजें जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, या फिर उसके लिए मैं कुछ जानना ले जानकारी लेने के लिए जा रहा हूं मेरे दोस्त के पास में, अगर तू कहे तो दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, और कोविड ने हमको समझा दिया। मैं हमेशा बोलता हूं कोरोना काल को इनविटेशन में भूलिएगा मत, कोरोना काल वो समय है जब लोगों को कुदरत ने थप्पड़ मारी थी, इनविटेशन में कोरोना काल आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, यस और नो बताइए। कोरोना काल हमने फेस किया, महसूस किया कि किसी भी समय हमारी नौकरी चली जा सकती है, किसी भी समय हमारा नौकरी और धंधा बंद हो सकता है, ऐसे में कोई ना कोई तो हमारे पास में इनकम सोर्स होना चाहिए जहां से हमारे पास में इनकम आती रहे, तो कैसे एक परमानेंट इनकम सोर्स को क्रिएट करें, कैसे ऑनलाइन बिजनेस करके, कैसे सोशल मीडिया अपने व्हाट्सएप का, अपने स्टोरी का, अपने स्टेटस का, मार्केटिंग के में इस्तेमाल करके, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके पार्ट टाइम में हम लोग अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए बहुत ही बढ़िया सा सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या यह तरीका चलेगा, बोलो हाँ या ना, अच्छा डायलॉग है कि नहीं है? अपने व्हाट्सएप की स्टोरी का, स्टेटस का कैसे इस्तेमाल करके हम लोग पार्ट टाइम में, आजकल डिजिटल हो चुका है सब लोग, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इन्विटेशन के तरीके हैं, किसान को, स्टूडेंट्स को, बेरोजगार को कैसे इन्विटेशन दिया जाए, ये सभी प्रकार के यहाँ पे मुद्दे हैं। और याद रखिएगा, एक मुद्दा मेन फोकस में रखिएगा, अगर आपको सामने वाला पूछ ले कि ये कोई एमबीए जैसा या नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस तो नहीं है, तो आपको पूछना है मुझे नहीं पता है, वहां पे जाने के बाद समझ में आएगा अपने को क्या है, वहां पे जाके समझना, अच्छा लगा तो करना वरना नहीं करना है, सिंपल है। या तो फिर आपको बोलना है यार मुझे नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, वो पूछ रहे कि एमएलएम वाला तो नहीं है, देख दोस्त एमएलएम वाला है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्का है कि कुछ तो है, जाके देख के आते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात। और मैंने अभी आगे आपको एक डायलॉग सिखा दिया, ना 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 ना, तू जैसा सोच रहा है वैसा तो बिल्कुल है ही नहीं, और ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस देख के ऑर्डर आता है, बिल्कुल सही है, और ये बात आज लोगों को पता है कि व्हाट्सएप के स्टेटस स्टोरीज के थ्रू आज लोग मार्केटिंग करके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसको हम इन्विटेशन का एक पार्ट बना सकते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको इन्विटेशन का पार्ट बना सकते हैं। इसमें कोई पैसे भरने हैं क्या? अरे ना भाई ना, कोई पैसे पैसे भरने नहीं है, सिंपल सा काम है, अच्छा लगे तो करना है वरना नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं अपफ्रंट का। तो जो भी कुछ डाउट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स के जवाब यहाँ पे लिखे हुए, उसको आराम से पढ़िएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक हाइप क्रिएट किया था अपलाइन का, लीडर का सेमिनार लेने के लिए जो अपलाइन आ रही है, सेमिनार लेने के लिए जो ग्रेट पर्सनैलिटी आ रहे हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करनी है जिससे कि सामने वाला इंस्पायर हो जाए। मान लो स्टूडेंट को मिलते हैं तो उनको सेमिनार में इन्वाइट करने के टाइम पे हम अपलाइन का हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, उनको स्टूडेंट का मसीहा बना देना है अपलाइन को। आर यू विथ मी? ये सिंपल तरीका है। देखिए सर, आजकल
स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियरिंग खत्म करते हैं, कॉलेज खत्म करते हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढने जाते हैं, तब पता चलता है कि 10-15 हजार की नौकरी मुश्किल से मिलती है। आर यू विथ मी? तो एक पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का पढ़ाई के साथ साथ अगर बेहतरीन करियर गाइडेंस के बारे में जानकारी लेगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया जाए जिससे कि 4 साल के बाद जब इंजीनियरिंग खत्म हो तो हमें करियर के लिए कहीं पे ढूंढने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े, नौकरी ढूंढने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा हमें करना है तो हमें एक एक्सपर्ट, करियर एक्सपर्ट कोच को मिलना चाहिए जिनका काम यह है कि वो अभी तक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज करते करते ही अच्छे से अपने बिजनेस को सेट करने के लिए लगा चुका है। जस्ट अ मिनट प्लीज। बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, सो रिकॉर्डिंग वरना खत्म हो जाता। तो कॉलेज वालों को क्या माइंडसेट किया, अपलाइन का क्या माइंडसेट बनाया? अपलाइन को ऐसे मसिया के बारे में बताया कि जो करियर गाइडेंस के एक्सपर्ट हैं, जो स्टूडेंट के एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहिए, स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में अपना इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए, अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हो उससे पहले ही वो अच्छे करियर के काबिल बन जाए, इसकी हमें जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में हमें डिटेल में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि पहली बार हमारे यूपी के अंदर लखनऊ में एक ऐसे एक्सपर्ट आ रहे हैं जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अपना बेहतरीन करियर बनाने में मदद की है। और वैसे तो इस एक्सपर्ट के प्रोग्राम में जाने की फीस पर पर्सन 1000 रुपए होती है। देखो हाइप क्रिएट किया, पर पर्सन 1000 रुपए टिकट होता है इनके प्रोग्राम को अटेंड करने का। लेकिन लेकिन हमारे शहर में पहली बार आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए टिकट रखे हुए। 50 रुपए तो हम ऐसे ही चाय पानी में, दाबेली वड़ा पाव खाने में ऐसे ही यूं बिगाड़ देते हैं, चलो थोड़ा जाके जानकारी लेकर आते। तो स्टूडेंट्स को ऐसे इंस्पायर कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए हाइप क्रिएट करें। हेल्थ के लिए हाइप क्रिएट करना है तो अपलाइन को हेल्थ के एक्सपर्ट बताएं। आर यू विद मी? जिस भी इंसान को आप इनविटेशन देने जा रहे हो उसका जो कैटेगरी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड अगर सॉल्यूशन देने वाला बंदा उसको मिल रहा है तो वो उसको सुनने के लिए जाएगा, ये कंफर्म है। हम तभी किसी इंसान को सुनेंगे जब हमें सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, वरना उसको हम सुनने वाले नहीं है। तो ऐसे हम अलग अलग हमारे सीनियर्स की अपलाइन की हाइप क्रिएट कर सकते हैं, डिटेल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं कैसे कैसे हाइप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट को ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए दोस्त तुझे पता है कॉलेज कर रहा है तू, कॉलेज में तेरे को बाइक चाहिए, बाइक लेके घूमने का ख्वाब किसका नहीं होता कॉलेज में, बताइए, हर इंसान का है कि नहीं? और बाइक के लिए रिस्क कितना लेना है? कुछ नहीं है यार, 10-15 हजार रुपए का डाउन पेमेंट भर दिया और हर महीने का 2-3 हजार का ईएमआई। तो पार्ट टाइम में कॉलेज करते करते अपने कुछ ऐसा कुछ करने का मौका मिले जहां पे हम लोग हमारी बाइक अचीव कर सके तो ये काम किया जा सकता है। आर यू विद मी? तो उसको बाइक के लिए मोटिवेट करो। उसके बाद अगर प्रोडक्ट बेस्ड हमको काम करना है तो प्रोडक्ट्स के वीडियोज दिखा के, उसका डेमो दिखा के भी हम लोग इन्विटेशन कर सकते हैं। मुझे ये भी कई भी जगह पे देखने को आया, वैसे वहां पे सीधा सेलिंग हो जाता है एक प्रकार से, प्रोडक्ट का डेमो देते हैं तो एक प्रकार से, तो लेकिन मैंने कई जगह पर ऐसा भी देखा है कि ऐसी जबरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, उसका प्रॉपर बिजनेस है और कैसे हम लोग फ्रेंचाइजी लेके ऑल ओवर इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी स्टोर्स बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जाना है। यहाँ पे अप्रोच किया जाता है बिजनेस करने के माइंडसेट। इसमें कोई पूछेगा इन्वेस्टमेंट है तो उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, सीधी सी बात, प्रोडक्ट बेस्ड है तो। लेकिन हमने अप्रोच किया बिजनेस की फ्रेंचाइजी के लिए, बहुत ही हाई क्वालिटी के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और यूनिक प्रोडक्ट का अगर फ्रेंचाइजी मॉडल हमने अगर बना दिया, आज कंपनी ऑलरेडी फ्रेंचाइजी खोलना चाहती है, कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढती है जो फ्रेंचाइजी खोलने में हेल्प करे, जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस ऑपरेट कर सके, और जितनी ज्यादा हम फ्रेंचाइजी करेंगे उतना ही ज्यादा हम पैसा कमा पाएंगे। तो मैं जानकारी लेने के लिए जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं तू मेरा दोस्त है तो आप लोग दोनों साथ में चलते हैं ना, तो ज्यादा जानकारी ले पाएंगे। तो ऐसे करते करते आप डिफरेंट 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 मॉडल्स के आधार पर इन्विटेशन दे सकते हैं।
आप जाइए यूट्यूब में, चिराग उपाध्याय मनी कोच, पूरा 1 घंटे का ओनली फॉर द इन्विटेशन, डिटेलिंग में पूरा वीडियो हमने बना के रखा हुआ, राइट। यहां पे मैं टू द पॉइंट जा रहा हूं किताब के अकॉर्डिंग। एंड फाइनली आता है प्लान प्रेजेंटेशन करने की कला, कदम नंबर 5। कुछ कुछ इसके बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर कल डिटेलिंग में थोड़ा और जाएंगे, राइट। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन करने की कला, एज अ न्यू मेंबर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपके लिए प्लान, ध्यान से सुना मेरी बात, आपके लिए प्लान आपकी अपलाइन लेने वाले हैं। तो शुरू में अगर आपको प्लान देना नहीं आता है तो घबराने का या टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने कल लिस्ट बना लिया है, कम ऑन एवरीवन, टाइप करो मी। कितने लोगों ने कल लिस्ट बना लिया है, टाइप करो मी। आज इनविटेशन की हमने बात करी, नौकरी वाले को उसकी प्रॉब्लम, धंधे वाले को उसकी प्रॉब्लम, ब्यूटी पार्लर वाले को उसकी प्रॉब्लम, हाउसवाइफ को उसकी प्रॉब्लम। हाउसवाइफ को हमेशा चिंता रहती है ना कि मैडम देखिए आपको पता ही है कि घर की आमदनी जो हस्बैंड कमाता है उससे जो पैसा आता है वो तो खाने पीने के खर्च में चला जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में और एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, हमें घूमने फिरने भी जाना होता है, हर बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो हमें पार्ट टाइम में कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे घर के परिवार के अंदर सपोर्ट मिले। ऐसा करके उनकी प्रॉब्लम के रिलेटेड में बात करी और फैक्ट फैक्ट सॉल्यूशन, फैक्ट फैक्ट सॉल्यूशन, ऐसे करके बात कर सकते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं, प्लान करने के लिए शुरू में, इनविटेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्लान करने के लिए शुरू में आपके साथ आपकी अपलाइन आएगी, अकेले कभी भी जाना नहीं है शुरू शुरू में। मैं तो यही बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही काम है जो आपको करना है, बाकी सारे काम में आपको सपोर्ट मिलता है। इनविटेशन एकमात्र काम है जो आपको करना है, बाकी सारे काम में आपको अपलाइन का, कंपनी लेवल का, टीम का सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं। सेमिनार हॉल में इनविटेशन हो रहा है, बड़े लेवल का सेमिनार हो रहा है तो बड़े लेवल के गेस्ट आएंगे, आपके लिए काम हो रहा है, आर यू विद मी। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप खुद बड़े लीडर बनना चाहते हैं, हाँ या ना? आगे के 4 कदम जो थे ना वो आपको डेवलप करने के लिए थे, बेसिक लेवल पे। लेवल 1 था हमारा, समझ लीजिए। अब यहां से लेवल 2 शुरू होता है ट्रेनिंग को लेकर। अगर आपको बड़े लेवल का लीडर बनना है तो आपकी अपलाइन जब प्रेजेंटेशन देगी तो आपको वो प्रेजेंटेशन को डायरी में लिखना है। मैंने आपको डायरी के टाइम पे कहा था ये। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूं, जब इंसान खुद पेन हाथ में उठाता है, जब इंसान खुद पेन हाथ में उठाता है तब वो अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू करता है। कब तक आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक आप अपनी अपलाइन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि वो प्लान दिखाने आएंगे तो काम होगा, मेरे से नहीं होगा, आर यू विथ मी। अगर आपको बड़े लेवल का लीडर बनना है, आपको बड़े लेवल की आमदनी चाहिए, तो आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी पेन हाथ में उठाना पड़ेगा। और पेन हाथ में उठाने से हमारे मन में डर है, डर इसीलिए है क्योंकि हमने आज तक कभी प्लान लिया नहीं है, नए नए हैं। तो मैं आपको टोनी रॉबिन का किस्सा सुनाता हूं। टोनी रॉबिन कौन है जान लेते, पहले किसी को पता, आई डोंट नो, जान लेते। दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर है हमारी ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में, दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर। आज की तारीख में वो रोजाना 10 लाख लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, रोज, हर रोज। तो बड़ी तोप है ना, छोटा नहीं है ना। अपने को 100 लोगों को रोजाना खाना खिलाना हो तो पॉसिबल नहीं है, वो 10 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाता है, इतनी बड़ी तोप है। ये भाई साहब जब जीरो थे, यानी कि टोनी रॉबिन जब कुछ जब कुछ नहीं था, आज से सालों पहले की बात कर रहा हूं, तो वो नया नया ट्रेनर बना, नया नया स्पीकर बना, उसने NLP नाम का टॉपिक सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब एक PPT उसने सीख लिया, मान लो एक फाइल उसने सीख लिया,
और सीखने के बाद उसने एक काम किया जो गजब का काम है, और वो आज भी बोलता है कि अगर मैंने वो काम नहीं किया होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता। जानना चाहते हो कौन सा काम था जो आप भी कर सकते हो? उसने क्या किया, जो पीपीटी, जो प्रेजेंटेशन उसने सीखा था अपने अपलाइन से समझ लो या फिर अपने कोच से, उसको लेके, पीपीटी उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, वो बोर्ड पे लिखता था, उसको लेके उसकी एक आदत उसने बना ली। रोज सुबह 9 बजे वो अपने कमरे में एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर पेन लेके खड़ा हो जाता था। रोज सुबह 9 बजे व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन लेके वो अपने कमरे में रोज सुबह 9 बजे खड़ा हो जाता था, और जैसे सामने ऑडियंस बैठी हुई है ऐसा मान के, ऑलरेडी ऑडियंस बैठी हुई है सामने ऐसा मान के, रोज सुबह 9 से 10 वो 1 घंटे अपनी स्पीच मारता था, सेम टॉपिक एवरी डे 30 दिन के लिए, सेम पीपीटी सेम टॉपिक रोज सुबह 9 बजे फिक्स टाइम। इसका परिणाम क्या आया, 31वें दिन जब उसका पहला प्रोग्राम था उसके माइंड में उसका वो 31वां प्रोग्राम था। और कल्पना करिए, हमारा मन में डर पहली पहली बार में ही डर रहता है। हम जब कोई भी एक काम को बार 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 रिपीट कर लेते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है। और मन को यह समझ में नहीं आता कि हमने वो प्लान लिया वो सामने कोई था तब लिया या कोई नहीं था तब लिया, डजंट मैटर, मन को यह समझ में नहीं आता। आर विथ मी? तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आज, रोज 1 से 2 बार प्लान प्रेजेंटेशन करो सामने कोई हो या ना हो, लाइन को लिख लो, लिखना हो लिखना चाहो, रोज 1 से 2 प्लान प्रेजेंटेशन करो सामने कोई हो या ना हो, रोज प्लान शो करो सामने कोई हो या ना हो, रोज प्लान शो करो सामने कोई हो या ना हो, रोज प्लान शो करो सामने कोई हो या ना हो, एवरी डे प्लान शो करो। इससे 2 काम होंगे, नंबर 1 प्लान के ऊपर आपकी मास्टरी होगी, दूसरा कंपनी के प्रति, MLM के प्रति, प्लान के प्रति आपका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और यही विश्वास आपका मार्केट में जाके जल जाएगा। आर यू विथ मी? आइडिया अच्छा है, हाँ या ना? कितने लोग इसके ऊपर काम करेंगे, कितने लोग इसके ऊपर काम करेंगे? रोज प्लान शो करना है, पेन हाथ में उठाना सीखो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रेजेंटेशन खुद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हाथ में पेन उठाएंगे, शुरुआत खुद करेंगे, खुद की जिम्मेदारी खुद लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली सक्सेस का मिलना शुरू हो जाएगा। और अपनी टीम में भी आदत डलवाओ, रोज प्लान शो करना है सामने कोई हो या ना हो, हो सके तो 2-4 दोस्त लोग मिलकर अपना ग्रुप बनाओ और ग्रुप में बैठ के प्लान शो करो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के इंसान कभी परफेक्ट नहीं बनता, और ये प्रैक्टिस आपका विश्वास बढ़ाएगी। प्रेजेंटेशन करने के कुछ नियम है, शुरुआत में आपको अकेले जाना नहीं है, प्रेजेंटेशन करने के टाइम में आपको डेमो किट से लेकर सब कुछ साथ में रखना है, अपने अपलाइन को साथ में लेकर जाना है। कल मैंने आपको कुछ और चीजें बताई थी कि अपना पर्सनालिटी बढ़िया रेडी करके जाना है प्रेजेंटेशन से पहले, आपका मोबाइल फोन बंद करना है, सामने वाले का मोबाइल फोन बंद करवाना है, कुछ डायलॉग मार के, देखिए सर आने वाले 10 मिनट के लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम छोटा बोलना, किसी के घर पे गए प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं तो प्लान से पहले हम फोन बंद करवाना चाहेंगे, तब आपको क्या बोलना है, देखिए सर आने वाले 10-15 मिनट के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इंपॉर्टेंट बात में कोई भी आसुरी शक्ति हमें डिस्टर्ब करे, तो इसीलिए हम लोग हमारा फोन जो है ना वो साइलेंट पे रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो नेगेटिव शक्तियां जो होती है वो डिस्टर्बेंस हमें कर देती है, और फोन के जरिए वो आ सकती है कभी भी, तो उसके सामने आपको अपना फोन साइलेंट करना है और उनको बताना है कि सर आप भी अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, और बोलना क्या है, आने वाले 10-15 मिनट में, वो 10-15 मिनट में क्या बातें करनी है वो आपको प्रेजेंटेशन फाइल में जानने को समझने को मिल जाएगी, और कल मैं आपको उसका डेमो भी दूंगा, राइट है, प्रॉपर। लेकिन आज ऊपर ऊपर की कुछ बातें जानते हैं प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुति में ध्यान में रखने वाली चीजें, हमें मैन को प्रस्तुति देनी है, मैन मतलब कि मनी ऑथोरिटी नीड, ऐसे इंसान को प्लान देना है जिसके पास से मनी पैसों की ऑथोरिटी हो और उसके घर में नीड हो,
नीड के अकॉर्डिंग बात करनी है। प्रेजेंटेशन के अंत में डेमो जरूर देना है। डेमो जो होता है ना वो चमत्कार, एक प्रकार का चमत्कार से नमस्कार होता है। उसकी टूथपेस्ट का डेमो अपनी टूथपेस्ट के साथ डेमो करेंगे, वो समझ जाएगा कि हमें लेना है। उसके साबुन के साथ हमारा डेमो, उसके हैंडवॉश के साथ हमारा डेमो करेंगे, वो समझ जाएगा समझ जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट में क्या ताकत है। वीडियो टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं अगर प्रोडक्ट बेस्ड जाना है तो। अरे विथ मी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप अपना सकते हैं। याद करो, याद रखिएगा, शुरुआत में रोटी गोल नहीं बनेगी, थोड़ी बिगड़ेगी। कभी ना कभी जब हम पहला प्लान करेंगे तो बिगड़ेगा। अच्छा बताऊं, आप टॉनी रॉबिन वाला फॉर्मूला अपनाइए 30 डेज वाला, आपका प्लान हमेशा अच्छे लेवल का ही होगा। रोटी बिगड़ने से पहले घर पे ही प्रैक्टिस कर लो, ताकि रियल में जाओ तो दिक्कत ना हो। आर यू विथ मी? सो थोड़ी बिगड़ेगी रोटी शुरू में, लेकिन बाद में रोटी गोल बनना शुरू हो जाएगी। प्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही होगा, शुरू में आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, चलेगा, लेकिन अगर रोटी बनाते रहेंगे, लगातार एफर्ट लगाते रहेंगे तो एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपके साथ टीम बनना शुरू हो जाएगी। आर यू विथ मी? टूल्स, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दरमियान सर्टिफिकेट, कंपनी की जानकारी, लोगों को रिजल्ट मेरा, उसके वीडियो की जानकारी, अपलाइन के अचीवमेंट्स, अचीवर्स फाइल अपनी ऑलरेडी डिजाइन हो रही है नए लेवल की, वो सब कुछ अपने साथ में हमेशा रखिए। और हमेशा सामने वाले के साथ बातचीत के दौरान सवाल ज्यादा पूछने हैं। मैं तो बोलता हूं हर 2 से 5 मिनट में एक सवाल आना चाहिए। आर यू विथ मी? डेमो पूरा कल करेंगे हम लोग, पूरा डेमो इसमें करेंगे, और फिर एंड में आएगा उसके नेगेटिविटी को दूर करना। तो कल इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आज हमने क्या सीखा, ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर आज हमारा मेन फोकस था, इनविटेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस था, लोगों का लिस्ट बनाना, लोगों से बात करना। दुनिया में एक बात हमेशा याद रखो, एंड में 5 मिनट मेरे को सुनिएगा, दुनिया में एक बात हमेशा याद रखो, आपको पैसा या दुनिया में किसी चीज में पैसा तभी मिलता है जब उसकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों से बात करी जाए। ट्रेडिशनल हो या नेटवर्क मार्केटिंग, डजंट मैटर सर। दुनिया में पैसा रोटेशन तभी घूमता है, दुनिया में पैसा तभी किसी की जेब से निकलता है, तभी घूमता है जब लोगों से प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करी जाए। मतलब कि पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी स्किल कोई है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बता दो, पहली 5 मिनट में ही बढ़िया लेवल की बात अगर हमने कर दी, फर्स्ट 5 मिनट में ही बढ़िया लेवल की बात कर दी, तो सोने पे सुहागा, तो प्रोडक्ट के सेल्स होने के या ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर यू विद मी? तो कम्युनिकेशन की मास्टरी हम लोग कल लेने वाले हैं, कल इसकी जानकारी लेंगे प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर, कम्युनिकेशन की मास्टरी कैसे लाए, कैसे प्लान दिखाए, कल इसकी डिटेल में ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तब तक आज के ट्रेनिंग से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीखे, 4-5 पॉइंट आपको कागज पे लिखना है, ग्रुप में सेंड करना है, मुझे सेंड करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। और आज का मेन होमवर्क है रोज 1 से 2 बार प्लान का प्रैक्टिस, चाहे सामने कोई हो या ना हो, हो या ना हो, हो या ना, इसका प्रैक्टिस करिए। इनविटेशन के लिए लिस्ट बनाइए, अपने अपलाइन के साथ, रोहन जी अपलाइन के साथ कनेक्शन बना के इनविटेशन कैसे करना, उसकी ट्रेनिंग वेनिंग लेके लोगों को सिखाइए, ये हमें काम करना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल सुबह 7:15 बजे नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक यू, thank you very much, 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 thank you, thank you, thank you. कैमरा यहाँ है, लैपटॉप यहाँ है, बातचीत करते रहते हैं, thank you.